हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट है वो 6 जनवरी 2021 को ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ इसकी वेरिएंट, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी इंजन डिटेल्स एंड इसके कुछ फीचर्स के बारे में जो कि उसके लॉन्च से पहले ही लीक आउट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो हमें 2 ट्रिम्स में अवेलेबल देखने को मिलने वाली है, स्टैंडर्ड एंड लीजेंडर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें टोटल 10 वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर की न्यू लेजेंडर है वो भी एडेड है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें डिफरेंट फ्रंट फेसिया विद स्लिम एलईडी हेडलाइट्स, ड्यूअल टोन एक्सटीरियर विद कॉन्ट्रास्टिंग ग्लॉस ब्लैक सरफेस देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इसकी रियर लुक के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें रीडिजाइन बम्पर एंड ग्लॉस ब्लैक रिम देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें टेल लैम्प क्लस्टर के साथ देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें 20 इंच के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इसके स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर की हमें न्यू ग्रिल, रिवाइज हेडलैम्प एंड बम्पर्स और रीडिजाइन रियर फेशिया देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर के बारे में, तो फ्रेंड जो लीजेंडर है उसके अंदर हमें 9.0 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट हेड यूनिट देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, लैंड डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, रडार गाइडेड क्रूज कंट्रोल एंड व्हील ओरिएंटेशन सेंसर देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर की हमें 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, ये डीजल इंजन हमें 201 bhp के पावर आउटपुट के साथ एंड 500 nm के टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें सेकंड ऑप्शन पे 2.7 लीटर पेट्रोल यूनिट देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 164 bhp के पावर आउटपुट के साथ एंड 245 nm के टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 5-speed मैनुअल, 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी अवेलेबल देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें ओनली डीजल वेरिएंट्स में ही देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, ये जो फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट है वो हमें 9 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर की हमें सुपर वाइट, पर्ल वाइट, ग्रे मेटालिक, सिल्वर मेटालिक, एटीट्यूड ब्लैक, पैंथम ब्राउन, एवी ब्रॉन्ज, स्पार्कलिंग ब्लैक एंड ड्यूअल टोन पर्ल वाइट विद मैट ब्लैक कलर देखने को मिलने वाले है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो इसके बारे में इतनी डिटेल्स लीक आउट हुई है जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।